हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कनाडा में रहते हो और स्नो स्टॉर्म आए और आपके साथ ना घूमे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम और आप घूमेंगे और पूरा दिन देखेंगे कि स्टॉर्म के टाइम यहाँ पर क्या क्या होता है। आज का जो स्नो स्टॉर्म है वो रात से स्टार्ट हो गया था और ये चलता रहेगा। आज पूरे दिन स्नो होगी और कल रात तक तो अराउंड 25-30 सेंटीमीटर स्नो होगी। तो पहले घूम कर आते हैं। स्नो में घूमना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्लिप नहीं करता, इंजॉय भी करते हैं। तो हम और आप साथ में चलते हैं। कनाडा में विंटर्स के टाइम बहुत स्नो स्टॉर्म्स आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उस दिन होती हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूँगी। थोड़ा सा चलने में डिफ़िकल्ट होता है तो आपको कैमरा हिलता हुआ नज़र आएगा और हवा चल रही है तो मैं सोचती हूँ कि अपना सर कवर कर लूँ। मैंने अपना हेड कवर कर लिया है और ये जो होता है होते इसीलिए कि अगर हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तो आपके फेस को बहुत प्रोटेक्ट करता है और आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। अभी का टेम्परेचर तो -8 है तो इतना ठंडा नहीं है, थोड़ी देर तक हम लोग बाहर घूम सकते हैं अगर आप प्रॉपर जैकेट पहने हुए हैं, प्रॉपर कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन कभी कभी -20 या -30 हो जाता है तो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहते क्योंकि उससे रहने से आपका बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है बहुत सडनली और आपको हाइपोथर्मिया हो जाता है और वो इस तरह की कंडीशन है जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और विंटर्स में यहाँ पर लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जो आपकी स्किन है ना वो ठंड की वजह से फ्रीज हो जाती है, इसलिए प्रॉपरली आपको वुलन क्लोथ्स, जैकेट्स, स्कार्फ और ग्लव्स पहनने होंगे और ट्राई करना होगा कि इतना बाहर ना जाएं -20 और -30 के अंदर, घर में रहें। और ऑफिस आ रहे हैं तो जल्दी से कार में बैठ जाएं और हीटिंग उसका पहले से ऑन करके रखें और फिर ऑफिस में अपना टाइम स्पेंड करें और इसी तरह इवनिंग में जल्दी से अपनी कार में बैठकर वापस आ जाएं। ये जो आपको ट्रीज़ की ब्रांचेस नज़र आ रही है, ये जो ट्रीज़ जो है उन पर स्नो गिरी हुई नज़र आ रही है, कभी कभी इतनी ज़्यादा स्नो गिर जाती है तो ये ट्रीज़ टूट जाते हैं। और यहाँ पर जब फ्रीजिंग रेन होता है तो आइस इन पे गिरने पर वो इतना हैवी हो जाते हैं कि सारी की सारी ब्रांचेस टूट जाती हैं और ट्रीज़ गिर जाते हैं। जब ट्रीज़ गिर जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि जो वायर्स पर जब गिरती है तो सारे के सारे वायर्स टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी आवर्स के लिए चली जाती है। हम लोगों को पहले से अलर्ट आया हुआ है कि कभी भी पावर जा सकती है, इसलिए आप तैयार रहें, अपने मोबाइल चार्ज करके रखें, अपने लैपटॉप चार्ज करके रखें और पूरी तैयारी से रहें। और साथ साथ यहाँ का हाइड्रो डिपार्टमेंट आपको बताता रहेगा कि क्या कंडीशन चल रही है आपके एरिया में, कब लाइट वापस आएगी। एक और प्रॉब्लम जो कि बहुत कॉमन है हैवी स्नोफॉल के बाद, लाइक 20-30 सेंटीमीटर या स्नो स्टॉर्म के बाद, यहाँ जो रोड्स पर होती है वो इतनी ज़्यादा स्नो हो जाती है, जब यहाँ पर कार चलाते हैं जबकि विंटर टायर्स लगे हुए भी हैं तब भी कार इसके बीच में फंस जाती है। तो ऐसा तो कहीं पर भी हो सकता है, किसी रोड पर हो सकता है, लोग अपना ड्राइववे तो क्लीन कर लेते हैं बट मेन रोड जो है जिससे कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे भी कार फंस जाती है। देखिए सामने जो कार फंस गई है तो लोग एक दूसरे की हेल्प करके और उसको पुश करके उनकी कार को निकालते हैं। स्नोफॉल के बाद या स्नो स्टॉर्म के बाद ड्राइविंग भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, आपको बहुत आराम से गाड़ी चलानी है, आपको आराम से ब्रेक लगाना है, कहीं पर स्टॉप साइन है या आपका सिग्नल है तो आपको वहाँ रुकना है, आगे आपसे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आप पहले से रोकना शुरू करें, उसी टाइम ना रोकें तो कई बार कोलिजन हो जाता है या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और टर्निंग में भी बहुत ध्यान रखना है कि बहुत आराम से टर्न करना है, नहीं तो गाड़ी जो है वो टर्न होती ही चली जाती है और ये सारी चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की है। सिटी वर्कर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम रोड्स क्लीन करते रहते हैं और सबसे पहले क्लीन करते हैं मेन रोड्स, जैसे सामने बस नज़र आ रही है तो वो रोड क्लीन हो गई है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहे, लोग आ जा सकें आराम से। बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, जो बस हाफ एन आवर में आने वाली है वो एक घंटे में आएगी। आज स्कूल बसेस तो कैंसिल हैं तो स्कूल सारे बंद हैं। ये रोड जो है देखिए आप क्लीन हो गई और हमारी इंटरनल रोड जो है वो क्लीन नहीं हुई, इसलिए आना जाना इस पर ईजी होता है। सामने है बस स्टॉप लेकिन जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो काफ़ी लंबा बस स्टॉप पर रुकना भी बहुत मुश्किल होता है। ऑफिसेज की तो छुट्टी नहीं होती है तो आपको किसी ना किसी तरह ऑफिस में पहुंचना है और जो लोग बस से जाते हैं वो बहुत लेट पहुंचते हैं, कभी कभी बहुत ठंडा होता है तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम पर ऑफिस पहुंचना। मेरी फ्रेंड बताई थी उसके ऑफिस में बहुत कम लोग आए क्योंकि रोड्स क्लीन नहीं है तो वो आ नहीं सकते टाइम पर और काफ़ी टाइम लगेगा। पार्ट टाइम जॉब और स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वो लेट पहुंचेंगे और उनको अर्ली पे किया जाता है तो उनको 6 आवर्स की जगह सिर्फ 2 आवर्स का ही पे किया जाएगा क्योंकि वो 4 आवर्स तो उनका पहुंचने में ही लग गया। ये रियलिटी है यहाँ के विंटर्स या स्नो स्टॉर्म की। आप यहाँ नए आ रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत कॉमन है और ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं।
ऐसा घबराने की कोई बात नहीं, जब आप यहाँ आ जाओगे, विंटर्स में यहाँ रहोगे, स्नो स्टॉर्म देखोगे, तो ये सारी चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करोगे और वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। आजकल यहाँ क्रिसमस या हॉलीडे सीजन चल रहा है, सब लोग इतने फेस्टिवल मूड में हैं, सारे लोगों ने घर सजाए हुए हैं, पूरे सिटी में कलरफुल लाइट्स लगी हुई हैं और लोगों ने अपने घरों के अंदर पहले से ही क्रिसमस ट्री लगाए हुए हैं, कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल, कुछ लोगों ने रियल, तो यहाँ पे रियल भी क्रिसमस ट्रीज आपको मिलते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर रियल क्रिसमस ट्रीज लगे होते हैं, आपको जिस साइज़ का चाहिए आप वहाँ से बाय कर सकते हो और बहुत सारे लोग रियल ही लगाते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है वाइट क्रिसमस, इसीलिए वो चाहते हैं कि एटलीस्ट क्रिसमस से पहले जो है वो स्नो गिर जाए, कहीं ग्रीन क्रिसमस ना हो कि सारी जो है ग्रास है वो ग्रीन ग्रीन नज़र आए, तो वाइट क्रिसमस ही इस बार भी होगा। यहाँ के घरों की छत या रूफ इस तरह की बनी होती है कि अगर स्नोफॉल होता है तो वो नीचे थोड़ा थोड़ा गिरता जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया और ये पूरा वेट नहीं ले पाई है तो कई बार ये जो छत है या रूफ है ये टूट जाती हैं, इसलिए लोग समर से ही तैयारी करने लगते हैं विंटर्स आने की और अपनी रूफ चेक कराने लगते हैं और पूरी सही से उसकी मेंटेनेंस कराते हैं। और हर बारी स्नोफॉल के बाद आपको अपने ड्राइववेज और वॉकवेज की जो स्नो है उसको शवल करना होता है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और स्नो वहीं छोड़ देंगे तो आपको इसका फाइन भी हो सकता है। अगर स्नो बंद होने के बाद आपने स्नो थ्री टाइम शवल नहीं किया तो स्नो इतनी टाइट हो जाती है और कभी कभी तो इसको क्लीन करना इतना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरत है जैसे ही स्नो बंद हो अपनी स्नो आप क्लीन कर लो। स्नो क्लीन करना इतना इजी नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए बड़े लोगों को बोला जाता है कि वो ना करें क्योंकि इस पर हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पर कई एजेंसीज हैं जो आपकी सीजनल फी लेती हैं, तो लोग वो हायर करते हैं और उनसे अपना ये स्नो क्लीन कराते हैं। ये ऐसे मार्कर्स लगे होते हैं, इससे पता चल जाता है कि इनके यहाँ जो है वो स्नो रिमूव करने वाले आते हैं। स्नोफॉल के बाद एक और काम, जो ऑफिस जाने से पहले आपको अपनी कार की स्नो क्लीन करनी पड़ती है, तो सुबह के सुबह आपको ये काम भी करना होगा, ऐसा ब्रश लेके आपको ये सारी स्नो क्लीन करनी होगी। देखने में तो ये बहुत इजी लगता है कि आराम से हो जाएगा, लेकिन ऑफिस से पहले 10-15 मिनट निकालना भी इतना मुश्किल होता है और इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। कनाडा में विंटर सीज़न होने की वजह से घर जो है ज़्यादा टाइम के लिए बंद रहते हैं और अंदर 24 आवर्स हीटिंग चलता रहता है, वाटर हीटर्स चलते हैं, यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर्स चलते हैं, फायरप्लेस चलते हैं और ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो गैस से चलती हैं। ये सारे इक्विपमेंट से पैदा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो घर के पास में जो गैराज होते हैं उसके अंदर जो गाड़ी आप कभी स्टार्ट कर देते हो जबकि शटर आपने पीछे से खोला हुआ होता है, फिर भी कार्बन मोनोऑक्साइड आपके घर के अंदर आ जाती है और ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है और कई बार यहाँ पर डेथ भी हो जाती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के डिटेक्टर्स भी लगाते हैं। जैसे ही पॉइजनस गैस का लेवल बढ़ जाता है तो ये बहुत ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रही थी कि यहाँ पर विंटर्स की या स्नो स्टॉर्म की प्रॉब्लम्स और सामने नज़र आ गया स्नो प्लो ट्रक, ये जो है क्लीन करता चला जाता है स्नो को और साथ साथ ये लोग सॉल्ट भी डालते हैं तो रोड्स क्लीन कर देते हैं ताकि आना जाना ईजी हो जाए। मैं आपके साथ बातें करते करते चल रही थी तो मुझे सामने नज़र आ गई दो डक्स, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करूं, और वो ट्राई कर रही हैं आई थिंक स्नो के अंदर कुछ खाने के लिए उसे खोद रही हैं और उनको ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही क्योंकि वो प्रॉपर जैकेट पहन कर आई हैं। अभी तो स्टॉर्म इतना सीवियर नहीं है जो हम लोग बाहर घूम रहे हैं, लेकिन स्लोली स्लोली 80-100 किलोमीटर की स्पीड से जब विंड चलेगी तो ये सारी स्नो उड़ने लगेगी और विजिबिलिटी एकदम ख़त्म हो जाती है, इसलिए हाईवे पर ड्राइव करने के लिए लोगों को मना किया गया है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और ये क्रिसमस का टाइम है, सभी लोगों को अपने घर वालों से मिलना है, दूसरे सिटीज़ को जाना है, तो इतना मुश्किल हो गया है और ये इस टाइम आया हुआ और ये कई दिन तक चलेगा, कल इवनिंग तक बहुत ज़ोरों पर है और उसके बाद एक थोड़ा कम होना शुरू होगा और ये पूरे कनाडा में फैला हुआ है। अगर आप स्टूडेंट या न्यू इमिग्रेंट कनाडा आ रहे हो तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि जब विंटर स्टॉर्म यहाँ पर आता है और कई बार आता रहता है विंटर सीजन के अंदर तो यहाँ पर क्या क्या होता है, और ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। विंटर स्टॉर्म ज़्यादा सीवियर हो जाए उससे पहले आप चलते हैं घर और घर में बैठ के हम और आप साथ में मिलकर गरम गरम अदरक की चाय पियेंगे। बाय।